हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान फैंस क्राइंग. आज सब रो रहे होंगे. सो ये क्यों रो रहे हैं आपको अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि वो रो इसलिए रहे हैं क्योंकि वो अपना मैच जो है वो हार गए हैं. किससे? जिम्बाब्वे से. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. और हमारे दूसरे दो चैनल्स, उनको भी आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं. उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. जैसे बाथरूम सिंगर है, बाथरूम बैट्समैन है, बाथरूम का प्लेयर है और कुछ नहीं है. बाथरूम की इससे बढ़ के बाहर आ जाए तो खत्म है. आप दूसरी टीम में तो अच्छी खेली, ये भी तो देखे ना यार. उसको तो हम वेल्टन जिम्बाब्वे कह रहे हैं, उसको हम जिंदाबाद कह रहे हैं, जबरदस्त कह रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं. मशवरा क्या है? इनके दिल दिमाग अंदर साफ होंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा. फील्डिंग इनको करनी नहीं आती. पहले सब किसी को सबको लगाए सफाइयों पे या फील्डिंग पे लगाए. ग्राउंड पे ग्राउंड साफ कराए तो इनको फील्डिंग करें. जब फील्डिंग आ जाएगी ठीक हो जाएगा. और भाई इनके अंदर कोई चीज ही नहीं है. और पंजाबी में उर्दू में कहते हैं जती सती लवल. जती सती बंदे होते हैं ना, वो कुछ कर लेते हैं. जती सती है ही नहीं है. ये बाथरूम सिंगर है, ये बाथरूम प्लेयर है, बस ये काफी है. और भाईजान ये क्यों इन्होंने, अगर हमारा मिडल ऑर्डर है क्या? आप मुझे ये बताएं, अगर ओपनर सारे आउट हो जाते हैं तो मिडल ऑर्डर क्या कर रहा है? छक्का बचाने आया इधर, ये क्या कर रहे हैं भाई? भाई चैंपियंस ट्रॉफी में ये बर्गर पीछे खा रहे थे, इधर क्या कर रहे हैं? बस दुरूद पाक पे और दुआओं पे टीम है. पहले मुल्क के हालात देख ले. ऊपर से ये छोटी छोटी खुशियां हैं लेकिन वो भी जाया जिम्बाब्वे से. मतलब ये क्या चल रहा है? मेरे ख्याल में अभी संडे को हमने खेला ही नहीं. हमारे साथ खिलाएंगे आप जाएंगे फिर भी तो वेरी डिसअपॉइंटिंग. ठीक है, बाकी तो बचा अभी आपके सामने पता नहीं क्या आप चलना आगे आए जी. हमजा साहब आप भी ना दुख है आज की हार का. सर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम है ना, थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए थी. इतना छोटा टोटल है, एटलीस्ट प्रॉपर खेले. मिडिल ऑर्डर पहले भी नहीं चला, अभी नहीं चल रहा. मगर लेट्स सी, अब बारिश होती है क्या होता है. मगर होपफुली सर देख लें. अब आए बड़ी दूर से काम छोड़कर, सारे दोस्त जमा हुए थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए. लेकिन आप परफॉर्मेंस देख लें बाबर की, कंसिस्टेंटली कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहा. फिर उसके बाद आप हैदर अली को देख लें किस तरह से वो आउट हो रहा है. आसिफ अली को भी देख लें. सो डिसअपॉइंट ही हुए हैं. आप भी इस दुखी ग्रुप में शामिल हैं भाई? मैंने तो अपना गला खराब करवा लिया जो शामिल जाके खरीदना है. लेकिन हमारी टीम इंशाल्लाह बैकअप करेगी और इंशाल्लाह जीतेगी. मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता पाकिस्तान अब कुछ कर सकता है क्योंकि इस वर्ल्ड कप से आफ्टर लूजिंग टू विन जिम्बाब्वे दे आर आउट ऑफ डिफिकल्ट. और इनको अपनी कंसिस्टेंसी पे फिर वर्क करना पड़ेगा. और बाबर आजम और रिजवान को जो है अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ रन स्कोर करने पड़ेंगे. बस यार बस छोड़ दे. बात तो सुने, हुआ क्या है? बस छोड़ दे. बहुत दुख हुआ. बहुत दुख हुआ. बस दुख हुआ. क्या हुआ क्या है? नहीं पूछे तो अच्छा. एक रन सर जी, क्या हुआ है मैच पे? इतना दुखी क्यों जा रहे हैं? इतना कोई दुख नहीं है. इट्स ओके मैन. ये हार जीत होती रहती है. और पाकिस्तान ने नहीं था जीतना, स्टार्ट से ये लग रहा था. बाबर आजम जब आउट हुआ और शाहीन से दौड़ा नहीं गया एंड पे आके थोड़ा नहीं गया. टेस्ट मैच खेलना है वैसे. आपको हार का दुख हुआ है? ऐसी टीम से हार का दुख नहीं होता. इन लोगों ने टेस्ट मैच की प्रैक्टिस करवाए. ये T20 नहीं खेलने आए वैसे. 128 से चेज नहीं होता. जज्बात बहुत न्यूट्रल है, वेल प्लेड जिम्बाब्वे. वर्ल्ड कप से तो तकरीबन बाहर हो चुके हैं. मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, जो रिजवान और बाबर ने किया ऐसी टीम के खिलाफ अटैकिंग नहीं गए, वो ही इस हार के जो है ना जिम्मेदार है. मेरा ख्याल है कि अगर वो अपने आप को नंबर वन कहते हैं सो कॉल्ड, और बाबर को कैप्टन से उतारा जाए फिर ये कोई टीम बन सकती है. कप्तान कौन हो अगर बाबर को उतारा जाए? कप्तान उसके बाद भाई देखिए, कप्तानी पे तो मैं बिल्कुल कोई सवाल मतलब बात नहीं करूंगा. लेकिन हाँ, एफर्ट करनी चाहिए थी आपके. मतलब जिस तरह हम लोगों को पता है कि इतना स्कोर नहीं था,
और हमें ये उम्मीद भी थी। और दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के हिसाब से करना इस तरह से चाहिए था कि आसिफ को ड्रॉप ना कर दे। एक पैगाम प्लीज सर जी, कुछ खाना शुरू कर दे मेहरबानी, हम आपकी बैटिंग के लिए तरस रहे हैं, मेहरबानी सर आपकी। और हर दफा बाबर आजम का आप स्टैट्स निकाल के देखें, हर दफा बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ क्यों नहीं स्कोर करता भाई, क्यों बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ आप स्कोर कर लेते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं भाई, हम आपको ख्याल कर रहे हैं, सब कुछ हम छोड़ के आए हैं यार, मैंने तो अभी आपको बताया कि टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर ये दोनों बिल्कुल। भाई तुम बताओ क्या हुआ आज, दुखी क्यों इतने? पाकिस्तान क्या हुआ पाकिस्तान, इनका कुछ नहीं होता, हमेशा एक रन से हारते हैं, इंडिया पे भी इतने चक्के खाए थे। मैच यार क्या बस हार गए हैं और वो अच्छा खेले जिम्बाब्वे नो डाउट, और टॉप ऑर्डर फिर उसी तरह से टॉप रहा है, शान मस के बाद हम डिजर्व ही नहीं करते, डिजर्व नहीं करते, इस परफॉर्मेंस के बाद हम डिजर्व नहीं करते जीतना, अगर अब वही होगा बारिश हो जाए ये हो जाए वो हो जाए, अच्छा नहीं खेले सब लोग उदास हैं, ऑफ कोर्स आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे, वो भी जैसे बोल रहे हैं चूजू टीम से छोड़ दें, बात तो सुने हुआ क्या है, फिर से आ गए, बस छोड़ दें, दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा दुख हुआ है, क्या हुआ क्या है नहीं पूछे तो अच्छा यार, क्या मजेदार था इनके दुख, वैसे वाकई वैसे देखो इतना दुख होएगा ही, सोचो ना आप, खास जैसे वो बेचारे तो कह रहे हमारे पेपर तुम तो पढ़ाई छोड़ के गए, क्यों आए थे, तुमको बोला था हमने नहीं आओ। देखिए ये है, ये ना बोल देते कि पढ़ाई छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आए थे देखने, लोकल है तो फिर भी सोच सकते हैं, ओ, कोई पता नहीं लोकल आदमी है, चलो बोला यार आज मैंने आ रहा देखने के लिए, पता लगा पढ़ाई छोड़ के पाकिस्तान से आए देखने के लिए, वो तो बोला भैया तूने बड़ा लंबा प्लान बनाया, को बड़ी जबरदस्त पढ़ाई छोड़ गया है तू, सच्ची में, और एक नहीं इतना पूरा ग्रुप का ग्रुप आया हुआ था, yes. और वो जो छोटा सा बच्चा था ना वो बेचारा, उसको देख के तो वह दया आने लग गई थी, वो छोटा बच्चा था उसको मेरे ख्याल से आता नहीं है पाकिस्तान, फिर पॉज, हाँ अब क्या बोले, पर उसको ये पता, उसको ये पता था कि भैया पाकिस्तान जो है पहले इंडिया से एक बॉल से हारा, अब यहाँ पे भी एक बॉल से हारा है, तो उसको इस बात का दुख था, मतलब इतने छोटे बच्चे को भी, और मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान से हो गए, यहीं कहीं के रहने वाले होंगे, हाँ। बच्चे, और उन्होंने देखे मैच, उनको भी इतना इंटरेस्ट था कि भैया पाकिस्तान जो है उसको देखे, पर अब लग रहा है किसी को होप ही नहीं है, अब उनको अब होप ही नहीं है, वो कह रहे दो आप अगर दो हार गए हो, अब उनको यही लग रहा है कि अब होप ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं अब देखने का, कितनी रिकवरी, वो तो अब ये होप करे कि बारिश आ रही है उससे कुछ, मैं तो हैरान थी स्टार्टिंग में आप दो हार गए और इंडिया से हारे, वो अच्छी फाइट थी, मगर अभी हारने का ओके अप टू देम, आई मीन जैसे बोल रहे हैं कि जिम्बाब्वे जैसी टीम टॉप ऑर्डर भी गया, मिडिल ऑर्डर भी गया, फील्डिंग भी बर्बाद है, हर बंदे ने पूरा कर दिया कि ओवरऑल बर्बाद ही है, सब कुछ ही बर्बाद है, और ये बाबर बाबर इतना सुनते थे कि जैसे पता नहीं कितना अच्छा प्लेयर है, एक ने बोला कि बाबर को कैप्टन क्यों बना रखा है, पर उनसे जब पूछा कि नेक्स्ट किसको बनाना चाहते हो तो उन्हें समझ ही नहीं आई, मतलब कोई है ही नहीं बनने लायक, मैं तो यही सोच रही थी, कमाल था, बड़ा ही मजेदार था यार, मजा ही आ गया देखने में कि देखो, पर ऐसे होता है यार, जो फैंस होते हैं जब वो जाएंगे और वो देखेंगे कि भैया हमारी टीम ने तो कुछ किया ही नहीं, इतना बुरा खेली, वो भी एक ऐसी टीम से जिनसे उनको लग रहा था कि जीत जाएंगे, तो होता था, हमने एक वीडियो देखी ना, वो कह रहे थे कि भाई अब तुम इससे ना हार गए हो, अब नीदरलैंड से भी हार जाना तो। बिल्कुल तो चलो नहीं, अगर नीदरलैंड से भी हारते हैं तो मेरे ख्याल से बैक टू बैक हैट्रिक हो जाएगी, हैट्रिक हो जाएगी, फिर जो हम इन पाकिस्तान के फैंस का सुनेंगे फिर तो बाय गॉड देखना क्या होता है, ओह माय गॉड, आप लोगों ने तो पहले ही कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तो एयरपोर्ट की तैयारी है, पाकिस्तान देखते हैं हैट्रिक होती है नहीं होती, चलो फ्रेंड्स तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।